हे गाइस अमंग अस। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टास्क बार के बारे में। टास्क बार क्या होता है, इसका क्या यूज होता है हमारे सिस्टम में, ये क्यों दिया गया होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो इसके बारे में नॉर्मली लोगों को पता होता है, बट जो लोग नया स्टार्ट करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए ये वीडियो है जिनको नहीं पता है कि टास्क बार क्या होता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो का एंड तक, उससे पहले चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टास्क बार होता क्या है। टास्क बार बेसिकली एक एलिमेंट होता है जो कि हमारे विंडोज़ में बॉटम साइड पे बाय डिफॉल्ट दिया गया होता है। वैसे तो नॉर्मली हम चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये बॉटम साइड पे होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा टास्क बार होता है जो कि हर एक विंडो में अलग अलग तरीके से होता है। मतलब इसकी डिज़ाइन वगैरह, इसका लुक वगैरह चेंज कर दिया जाता है। लाइक विंडो 10 में आपको डिफरेंट लुक देखेगा टास्क बार का, विंडो 7 में डिफरेंट लुक देखेगा। अगर हम इससे पहले की विंडोज़ की बात करें, XP वगैरह या 98, तो उसमें डिफरेंट लुक दिखता है। तो हर एक विंडो का एक डिफरेंट लुक होता है टास्क बार। बेसिकली इसका यूज होता है जो भी हम रनिंग एप्स यूज कर रहे होते हैं उनको दिखाने के लिए कि करेंटली हम कौन कौन से एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन हमारा करेंटली ओपन है, कौन सा नहीं है। तो मेन इसका यूज यही होता है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानने के लिए चलते हैं हम अपने PC स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसका हम किस तरह यूज करते हैं और क्या क्या इसमें फीचर्स दिए होते हैं। तो ये है हमारी विंडो 10। यहाँ पे आप बॉटम साइड पे देख सकते हैं इस पूरे जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, इसे हम टास्क बार बोलते हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि किस एरिया को, किस सेक्शन को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड में। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक स्टार्ट बटन दिख जाता है। स्टार्ट बटन की हेल्प से आप यहाँ से कई सारे काम कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से विंडोज़ को शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम स्टार्ट बटन से कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हमें स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है सर्च। मतलब हमें कोई चीज़ सर्च करनी है इस PC में, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर सर्च। तो मान लो मुझे यहाँ पे नोटपैड सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे नोटपैड टाइप करूँगा और नोटपैड हमारा आ जाएगा। तो ये होता है हमारा सर्च का सेक्शन। यहाँ पे हम कोई भी सर्च चीज़ कर सकते हैं आसानी से, जो हमारे PC में या जो हमें नहीं मिल रही तो उसको हम यहाँ सर्च से ला सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये कॉर्टाना। कॉर्टाना मतलब हम वॉइस की हेल्प से अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसको हमें अपने हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद इस PC को हम अपने वॉइस की हेल्प से यूज कर सकते हैं। यहाँ से साइन इन वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे दिए गए होते हैं जो हम यूज करते हैं। ये पहले से पिन एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ से ये बाय डिफॉल्ट हमेशा रहते हैं। हमें ओपन करना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और ये जो एप्लीकेशन है वो हमारे ओपन हो जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट हमने पिन कर रखे हैं, इस वजह से ये डायरेक्टली यहाँ पे हमेशा देखेंगे हमें। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारे एप्लीकेशन करेंटली ओपन है। मान लो इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अंडरलाइन दिख रही है, जो जो एप्लीकेशन ओपन है वो यहाँ पे अंडरलाइन आपको दिख रही होगी। तो ये जो एप्लीकेशन है वो हमारे करेंटली ओपन है, जो इनके हम काम कर रहे थे या फिर हमने मिनिमाइज कर रखा। ऐसे कि क्रोम हो गया हमारा, तो क्रोम को हमने मिनिमाइज करके रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन वो ओपन है। PDF हो गया, हमारा टैली हो गया। तो इस तरह से हमें जो भी एप्लीकेशन ओपन है वो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं। तो मान लो हमें यहाँ पे जो PDF है इसको क्लोज करना है, तो जैसे ही हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। जैसे ही हमने क्लोज किया, ये PDF है वो चला गया यहाँ से, क्योंकि ये पिन नहीं था, इसको हमने पिन करके नहीं रखा था। अगर मान लो हम इसको पिन कर देते हैं, मान लो हमने इसको फिर से खोला और इसको पिन कर देते हैं। पिन कैसे करते हैं, इस पर हमें राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ लिखा है पिन टू टास्क बार। जैसे हम पिन टू टास्क बार कर देंगे, ये हमारा यहीं पर पिन हो गया। अब इसको हम क्लोज भी कर देंगे तो ये यहीं पर रहेगा, तो हमें फ्यूचर में जब भी खोलना होगा तो हम डायरेक्टली यहीं से क्लिक करके खोल सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पिन भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको अनपिन कर देता हूँ। मान लो हमें, मान लो कोई हम म्यूजिक प्ले करना है, जैसे हम प्ले करेंगे तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो म्यूजिक है वो भी प्ले हो गया है। तो ये तो हो गए हमारे ऐप्स। अब चलते हैं हम राइट साइड में। राइट साइड में यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एरो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे, इसको हम ट्रे बोलते हैं, जहाँ पे हमारे कुछ नोटिफिकेशन एरिया है। ये वाला हमारा नोटिफिकेशन एरिया है, जहाँ पे हमारा बैटरी देखने को मिल जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन चालू है नहीं है, वाईफाई का स्पीकर देखने को मिल जाएगा, वॉल्यूम वगैरह। यहाँ से हम अपने जो आइकन्स वगैरह हैं उनको इसके अंदर डाल सकते हैं। मान लो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा भर गया तो हम इसको अंदर डाल सकते हैं। फिर से बाहर लाना है तो इसको हम फिर से ड्रैग करेंगे और फिर से यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से मान लो बैटरी गायब हो जाती है, तो कुछ लोग जो नए यूज़र होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो हमारी बैटरी का आइकन था वो गायब हो गया, या फिर जो हम इंटरनेट यूज करते थे वो गायब हो गया। तो वो यहाँ पे जो सिस्टम ट्रे है यहाँ पे चला जाता है। तो घबराने कोई बात नहीं है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, जो हमारी कीबोर्ड की लैंग्वेज है उसको हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डेट एंड टाइम, तो यहाँ से हम अपनी डेट और कैलेंडर वगैरह देख सकते हैं। मान लो हमें नवंबर का देखना है, किसी भी डेट का देखना है, वो यहाँ से हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नोटिफिकेशन, ये होता है हमारे जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशन आते हैं, उसी तरह यहाँ पे हमारा जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो यहाँ पे आ जाता है। इसी के साथ यहाँ से हम और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एयरप्लेन मोड लगाना है तो वो लगा सकते हैं, ब्लूटूथ ऑन करना है, VPN करना है, प्रोजेक्टर करना है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह आप कई सारी चीज़ें इस टास्क बार की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टास्क बार का पूरा डिटेल। अब बात करते हैं कुछ टास्क बार की सेटिंग के बारे में। उसके लिए हमें क्या करना है, टास्क बार पर राइट क्लिक करना, टास्क बार सेटिंग में जाना। तो यहाँ से हम अपने टास्क बार में कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मान लो इस टास्क बार को हमें हटाना है, बिल्कुल हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम यहाँ से ऑन कर देंगे तो हमारा जो टास्क बार है वो हाइड हो जाएगा, नॉर्मली हाइड रहेगा। बस जैसे ही हम यहाँ पे कर्जर ले जाएंगे माउस का, वैसे ही हमें शो करने लगेगा। तो यहाँ से हम जैसे ही हाइड करेंगे, हमारा टास्क बार गायब हो चुका है, अभी हमें कोई भी टास्क बार यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हम जैसे ही यहाँ पे माउस ले जाएंगे, अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो टास्क बार है उसका आइकन छोटे हो जाए, अभी आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है यूज स्मॉल टास्क बार बटन। जैसे इसको ऑन करेंगे, ये टास्क बार है काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा छोटे आइकन्स हो गए, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं, नीचे ये एक लाइन दिख रही है आपको सबसे लास्ट में, ये जो लाइन है इसके साइड में एक छोटा सा एरिया दिख रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कोई भी काम कर रहे हैं और आप डेस्कटॉप देखना चाहते हैं, तो हमें मिनिमाइज़ सारे करने पड़ेंगे, बट आप नहीं चाहते मिनिमाइज़ करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शो डेस्कटॉप था। जैसे ही हम इसको ऑन कर देंगे, उसके बाद जैसे ही हम माउस को यहाँ पर ले जाएंगे ये जो एरिया में, तो ऑटोमेटिकली हमें जो डेस्कटॉप है वो दिख जाएगा। उसके बाद जैसे ही हटाएंगे, हम जहाँ पे थे वहीं पे आ जाएंगे, देख सकते हैं आप। तो इस तरह हम इस शो डेस्कटॉप का यूज करते हैं। उसके बाद आता है कि अगर हम टास्क बार की पोजीशन चेंज करना चाहें, अभी बाय डिफॉल्ट बॉटम में आता है, अगर हम चाहते हैं ये टॉप पे पहुंच जाए ऊपर साइड, तो हम टॉप सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टास्क बार है वो टॉप पे पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं हमारा राइट साइड में आ जाए, तो ये राइट में आ जाएगा। उसके बाद चाहते हैं आप लेफ्ट में आ जाए, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, बट हमें बॉटम में ही रखना है तो हम बॉटम में ही रहने देते हैं। तो इस तरह आप टास्क बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं ये सर्च वगैरह जो फालतू की चीज़ें उन्हें आप हटाना चाहते हैं, तो उसको किस तरह हटाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है टास्क बार पे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको जो कॉर्टाना है इसका हमें कोई यूज नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। यहाँ से करेंगे, हमारा कॉर्टाना गायब हो गया। उसके बाद ये सर्च वाला दिख रहा है, इसको हटाना है, तो सर्च पे जाएंगे, उसके बाद हिडन, तो ये हमारा जो सर्च वाला है वो भी गायब हो चुका है। उसके बाद ये हमारा रह गया, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, इसको भी हम हटाना चाहते हैं तो अनपिन कर देंगे, ये भी गायब हो जाएगा। तो इस तरह हम जो चीज़ हम हटाना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ से हटा सकते हैं। तो अभी हमारा देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है, फालतू चीज़ें हमने हटा दी, स्थित सिंपल रह गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टास्क बार क्या होता है और इसका क्या यूज होता है और किस तरह इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।